Subscribe my channel and be my best friend, and do hit the bell icon to stay notified about my latest videos and updates. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So कैसे हैं आप सब? So आज की वीडियो में मैं आपको बनाने सिखाऊंगी जीरो मेकअप पैलेट. ज़ीरो मेकअप पैलेट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जो है मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वो खुद घर में बनाना सिखाऊं. सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट कि मैं आपको ये बनाना सिखाऊं. यकीन नहीं आ रहा ना, सो खुद देख लीजिए इस वीडियो में. ठीक है गाइस, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, ये मैंने बनाया है करेक्टर यानी कि कंसीलर, ये है मेरा फाउंडेशन, ये है मेरा ब्लश और ये है पाउट. मैं इनके स्वॉचेस आपको दिखा देती हूँ. गाइस, इनके स्वॉचेस कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं. ये करेक्टर है, कंसीलर, ये फाउंडेशन का शेड आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और ये है हमारा ब्लश ऑन, और ये पाउट जो है आप देख सकते हैं पाउट का कलर कितना ही खूबसूरत कलर है. ठीक है गाइस, तो ये पाउट, ब्लश ऑन, और ये हमारा फाउंडेशन, और ये हमारा कंसीलर. एशियन स्किन टोन के हिसाब से मैंने बनाया है. ठीक है गाइस, सो देख लेते हैं कि ये ज़ीरो मेकअप पैलेट मैंने किस तरीके से बनाई है. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले जो ज़ीरो मेकअप पैलेट में है वो है हमारा कंसीलर जो कि ऑरेंज अंडरटोन में है एशियन टोन्स के हिसाब से. सो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑरेंज कलर की एक लिपस्टिक. अगर आप चाहें तो किसी भी जो है वो क्रीम के अंदर ऑरेंज कलर का आई शेडो भी क्रश करके उसमें डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं, वैसे भी आपका बन सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं ले रही हूँ. सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी जो है वो लिपस्टिक ली है, और अब मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और जो है पैलेट में शिफ्ट कर दूँगी. सो गाइज़, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ये ऑरेंज है, तो इसके अंदर उसको मैं मेल्ट करूँगी, उसमें थोड़ा सा मैं लूज़ पाउडर मिलाऊँगी और फिर इसको मैं जो है वो अपनी पैलेट में डाल दूँगी. सो ये लिपस्टिक है, तो इसके अंदर जो है ये मैं थोड़ा सा जो है वो लूज़ पाउडर डाल लूँगी, ये आप देख सकते हैं. चूँकि ज़ीरो मेकअप पैलेट में सबसे पहले कंसीलर है, तो उसके लिए हम बनाएंगे कंसीलर, जिसके लिए आप ले सकते हैं कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम या कोई भी बेबी क्रीम. यहाँ पे मेरे पास जो है वो लोशन रखा हुआ है, लेकिन आप क्रीम ले, क्रीम से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा. चूँकि भी मेरे पास क्रीम अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैं ले रही हूँ लोशन, और हमें चाहिए लूज़ पाउडर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर लूँगी बेबी पाउडर. ठीक है, और इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ बेबी मॉइस्चराइज़र, आप क्रीम लें, मैं लोशन ले रही हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लूँगी बेबी लोशन. ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा बेबी पाउडर. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम फाउंडेशन में डालेंगे वो हम लेंगे लूज पाउडर. ठीक है, चूँकि हमारी एशियन टोन है इसलिए हम अंडर येलो एशियन टोन है, सो येलो अंडर टोन में यानी कि येलो कलर में जो है वो लेंगे लूज पाउडर. ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे कि एशियन टोन के इसके हमारी जो फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा पेल लग रही है, इस वजह से स्किन पर मैं थोड़ा सा ये वाला जो शेड है वो स्क्रैच करके डालूँगी ताकि हमारी एशियन टोन के हिसाब से हो जाए. आप चाहें तो कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये शेड है तो मैं ये शेड डाल रही हूँ. सो गाइस, ये मेरा फाउंडेशन जो है वो रेडी हो गया है, इसका टेक्सचर और इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल एशियन टोन के हिसाब से है. सो इसको मैं जो है वो अपनी पैलेट में जो है वो शिफ्ट कर लूँगी, पैलेट में सेट कर लूँगी इसको. ब्लश ऑन, जिसके लिए मैं लूँगी पेट्रोलियम जेली या वैसलिन, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या चाहें तो आप इसकी जगह पर बीस वैक्स भी ले सकते हैं, उसको मेल्ट करके उसमें शेड मिला सकते हैं. ठीक है, सो गाइस, मुझे चाहिए कुछ इस टाइप का पीची सब ब्लश ऑन, तो मैं इसको जो है वो शेड को थोड़ा कर लूँगी क्रश. ठीक है गाइस, तो ये मैंने क्रश कर लिया है शेड को. ये आप स्टिक्स भी ले सकते हैं, या तो फिर ये स्टील की स्टिक आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. सो अब मैं जो है इसके अंदर ले लूँगी पेट्रोलियम जेली और वैसलीन. ठीक है गाइस, ये मैं ले रही हूँ इसमें. सो अब मैं इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी. अभी तो गर्मियां हैं तो वैसलीन जो है वो इजीली हो भी जाएगी,
मेल्ट एंड मिक्स आप इसमें इजीली कर सकते हैं। सर्दियों में चूंकि ये हार्ड हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल होता है। गाइज आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लश ऑन यहाँ पर तैयार है और इंतहाई जो है ये देखें आप कितना क्रीमी टेक्सचर में ये बना है। इसका मैं स्वॉच भी आपको करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना ज़्यादा शाइनी है। बस आप इसका थोड़ा सा लें और इस तरीके से टैप टैप करके अपने जो है वो चेक पर लगाएं और उसको बिल्कुल स्लाइटली कर लें। देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आ रहा है। अगर आप डार्क लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लें और ज़्यादा जो है वो इस तरीके से लगाएं तो इस तरीके से डार्क आएगा, लाइट चाहते हैं तो इस तरीके से लाइट। ये आप इसको जितनी बिल्डेबल है जितना आप इसको ब्लेंड करते जाएंगे ये लाइट होता जाएगा, और अगर आप इसको ब्लेंड नहीं करती तो ये डार्क रहेगा। ठीक है गाइस, सो ये था मेरा टू इंग्रेडिएंट सिंपल क्रीम ब्लश ऑन। गाइस ये ब्लश ऑन मेरा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं इसको सो गाइस यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्टर तैयार है, फाउंडेशन तैयार है, नेक्स्ट है ब्लश ऑन की, तो मैं इसमें जो है वो ब्लश ऑन जो है वो सेट कर लूँगी। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो है वो कंसीलर, फाउंडेशन और ब्लश रेडी हो गया है। अभी हमारा पाउट बाकी है। तो पाउट के लिए आपको जो है वो इस कलर का शेड चाहिए होगा, तो मैं इस कलर के शेड को जो है वो स्क्रैच कर लूँगी यहाँ पे। ठीक है, ये पाउट के लिए आपने जो है वो इस कलर को अच्छे तरीके से स्क्रैच कर लेना है। तो ये कलर मैंने ले लिया है पाउट के लिए। पाउट के लिए मैं लूँगी 20 वैक्स और 20 वैक्स के अंदर ये जो मैंने आपको पाउट के लिए शेड दिखाया है उसको मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मैं सेट कर लूँगी। बस ये 20 वैक्स को मैं मेल्ट कर लाई हूँ और ये 20 वैक्स मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं ये पाउट के लिए जो पाउडर मैंने क्रश किया था वो इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर लूँगी। सो गाइस रेडी है मेरी यहाँ पर ज़ीरो मेकअप पैलेट। सो करेक्टर, फाउंडेशन एंड ब्लश ऑन और पाउट। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो मेक श्योर लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेरा ज़ीरो मेकअप पैलेट DIY ज़ीरो मेकअप पैलेट कैसा लगा। एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।